हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और मैं जा रही हूँ घर मेट्रो से, और इसके बाद मैं कैब से गई थी अपने घर। तो थोड़ा दूर का है, 2 घंटे का रास्ता है, तो मेट्रो कैब दोनों से गई थी। तो ये है 15 अगस्त की वीडियो जिस दिन मैं घर जा रही थी। और आगे मैं बताऊँगी कि मेरे हस्बैंड क्यों नहीं आ पाए थे मेरे साथ, या जो भी है आप आगे देखिएगा। और ये मैं दिखा रही थी आप युग को मेट्रो वगैरह, और फिर मेट्रो भी आई गई थी। ये क्या है, ये क्या है, ये इसको जलाते हैं ना तो गैस होती है। अच्छा, क्या होती है ये, स्काई लैंड। अच्छा भाई, नहीं नहीं बेटा, जंग लगा हुआ है इस पे, नहीं जंग लगा हुआ है, छीछे वाला दूसरे पे जलाएंगे कल, मोमबत्ती को स्लाइड कर। ये गंदा वाला है बेटा, जस पे ये एबीबी वाला। नहीं नहीं नहीं, इस पे नहीं, पहले खोल ले तो। ये खोलने में फट जाती है। आराम से ध्यान से खोल। ये हाथ पे क्या लग गया, कहाँ है ये बम क्या? ये तो बत्ती छील ली है ना, बारूद का वो लगता है। ये साइड से, वो तो एक्सरसाइज करने से, ये तो लटकने वटकने से होते हैं। देख ऐसे उड़ेगी, ओ ये तो वैसे उड़ रही है, वो लगाने से ये तो खोलो गई। वो है कैंडल जला बेटा इसके लिए। कैंडल का Here we go, it's all about you, it's all about me, it's all about what we do. Making art, you and me, trying to find something to believe. Because I'm running wild, I ain't running free. Still got a lot of shit left to see. I'm stuck in this town, and the town's stuck in me. Always trying to find another reason to leave. But we sit at home, all alone. Hoping one day I'll never be known. Cause I'm stuck on the bottom, trying to feel on top. Wishing everything would just come to a stop. Cause we're trying to fill the holes in our souls. Trying to feel the music, let it take control. Stuck on the bottom, trying to feel on top. Wishing everything would just come to a stop. Being hurt, what a concept. Gotta stay alive, yeah, that's the mindset. Caffeine warnings, vodka nights. Gotta be awake, gotta live this life. Hoping there's more, but knowing there's less. We gotta keep going and hope for the best. Walking the streets, just you and me. Trying to fill the void, trying not to bleed. Sometimes life just moves too slow. You gotta find a reason to push it and go. You know we're trying our best to be a success. We're living our life trying to clean up the mess. Cause I'm stuck in this route, day in, day out. Thoughts come in but nothing comes out. I'm still trying to feel on top. Wishing all the shit would just come to a stop. देखती हूँ।
गाइस कुछ इसी तरीके से हम रात को एंजॉय कर रहे थे 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे और रक्षाबंधन एंजॉय कर रहे थे पूरी फैमिली। हम चार दीदी हैं तो उनमें से दो चली गई थी और मेरी दी, उनके बच्चे, मेरी भाभी, मेरे भतीजे, दो मैं, मम्मी, भैया, हम सब एंजॉय कर रहे थे रात को। और रक्षाबंधन का मैं शूट नहीं कर पाई, सो सॉरी फॉर दैट। कम्फर्टेबल नहीं थे फैमिली वाले तो इसलिए कैमरा शाई थे। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई थिंक आप अच्छे ही होंगे और अच्छे ही होने चाहिए। और मैं रक्षाबंधन का व्लॉग आपसे शेयर नहीं कर पाई कल, और इसलिए मैं कल लाइव आ गई थी। तो अब मैं ये बना रही हूँ वीडियो जिसमें कि छोटी छोटी सी कुछ क्लिप्स मैंने ऐड की है जो मेरे मायके की है, और मैं यहीं पर रुक गई हूँ। तो अब आपको मिलती रहेंगी कुछ कुछ वीडियोस, और मैं आपको दिखाती हूँ कि यूकी मस्ती, और मैं अपनी यहाँ की मार्केट भी आपको सब कुछ दिखाऊंगी कि दिल्ली में मेरा मायका है जनकपुरी में, तो वो सब मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे कैसे क्या यहाँ पर कैसी मार्केट है। घर से निकलते ही तो हमारे यहाँ मार्केट है, और कैसी कैसी कलेक्शंस हैं यहाँ पे, वो सब मैं आपसे शेयर करूँगी ज़रूर। और यूकी मस्ती, मेरे दो भतीजे हैं उनके साथ यूकी मस्ती, वो सब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोग बड़ा एंजॉय करने वाले हो मेरे ये व्लॉग्स। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ रक्षाबंधन वाले दिन मैं मार्केट भी गई थी और कुछ कुछ चीज़ें। तो चलिए आप एंजॉय कीजिए। और मैं घर से आई थी और इस बार मेरे हस्बैंड नहीं आ पाए थे मेरे साथ, बिकॉज उन्हें ऑफिस जाना पड़ा था, उनको अर्जेंटली 15 अगस्त था, बट फिर भी उन्हें ऑफिस जाना पड़ा था, तो क्या कर सकते हैं। तो फिर मैं आई थी, और मैं कैसे आई थी वो आपको मैं सब दिखाऊंगी अपने इस ब्लॉग में। तो तब से अब तक का जो ये ब्लॉग है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। तो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना मेरी वीडियो को, और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जो लोग नहीं भी करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, सिर्फ देखना चाहते हैं, और जो सब्सक्राइब करेंगे वो प्लीज़ बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करना, उससे आपको मेरी आने वाली न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती हैं। और आप लोग ये देख रहे होंगे ये एक्चुअली पुराना टीवी है, अभी चलता नहीं है, तो ये बस रखा हुआ है मम्मा के रूम में, और अभी तो दूसरा टीवी चलता है LED जो होता है। सब मैं आपको दिखाऊंगी मेरा मायका कैसा है, क्या है, तो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो बने रहिए इसी तरह मेरे साथ, और चलिए मेरे ब्लॉग्स को इन्जॉय कीजिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? गुड आफ्टरनून। मैं जा रही हूँ मार्केट, और मैं अपनी मम्मी के घर आई हुई हूँ, और मैं मार्केट जा रही हूँ अपनी दीदी के साथ। उनको तो मैं नहीं दिखा पाऊँगी वो कैमरा शाई है, तो मैं जा रही हूँ मार्केट। तो चलिए आपको अपनी मार्केट पर दिखा देती हूँ मैं। सो गाइस, ये घर से निकलते ही हमारे यहाँ जनकपुरी की मार्केट है, जिसे कि गांधी मार्केट बोला जाता है सागरपुर की। और यहाँ पर मेरी दी और मैं कुछ सामान लेने आए थे, तो दी भी कंफर्टेबल नहीं थी तो उन्हें भी मैंने नहीं लिया कैमरा में, बट अपनी मम्मी को मैं ज़रूर लूँगी कुछ टाइम बाद वीडियो में, तो ज़रूर मिलना। और अभी भी मैं, ये मेरी दी हैं, और इनको फ़ोन का कवर वगैरह लेना था, और मैंने भी कुछ चीज़ें ली थी, मेरी दी ने कुछ चीज़ें ली थी। तो ये एक कॉस्मेटिक शॉप है जहाँ पर हम आए थे कुछ लेने, और ये कुछ सेल लगी हुई थी बॉम्बे मार्केट की, ये बॉम्बे का बाज़ार कुछ इस टाइप से था, सेल लगी होती है 10, 20, 30, 40, 60, मतलब काफ़ी महंगे आइटम्स भी होते हैं यहाँ पर, तो ऐसे कर रहे थे। बट मैंने यहाँ से कुछ लिया नहीं, बट मैं देखने गई थी, तो वही सब मैं आपको दिखा रही हूँ। तो चलिए आप इन्जॉय कीजिए मार्केट। मेहंदी वाले भी बैठते हैं हमारे इस मार्केट में, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो यहाँ पर ना मिलती हो, तो मैं यहाँ पर बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ, मतलब मार्केट से रिलेटेड, कि घर से निकलते ही सब कुछ मिल जाता है। बट हमारे वहाँ फरीदाबाद में थोड़ा सा दूर जाना पड़ता है इस तरीके के लिए, इस सब चीज़ों के लिए। तो चलिए आप इन्जॉय कीजिए। सेट कैसे से एक अलग वो मिलती है, सेपरेट मिलती है, बिल्कुल छोटे छोटे। और क्या ले रहा है? सैंडल। Oh,
सोच रहे होंगे गाइस ये युग कौन से स्कूल में है। एक्चुअली मेरे भैया का प्ले स्कूल है, मल्टी एक्टिविटीज़ इंस्टीट्यूट है, कोचिंग सेंटर है सागरपुर में। तो यहाँ पर युग इंजॉय कर रहा है, ये मेरे ब्रदर हैं और ये एक टीचर हैं जो कि देख रही हैं बच्चों को। तो युग भी यहाँ पर इंजॉय कर रहा था। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करना और शेयर कर सकते हैं अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो। और अगर आप सिर्फ मुझे देखना चाहते हैं, सब्सक्राइब नहीं भी करना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझे सब देख सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं मेरे व्लॉग्स। मैं इसी तरीके से आपके लिए नए नए व्लॉग्स लाती रहूँगी और डेली मैं 1 बजे वीडियो डालती हूँ, तो आप लोग इन्जॉय कर सकते हैं मेरे वीडियो को। तो चलिए आप लोग इन्जॉय कीजिए। बाय बाय गाइस, टेक केयर। मैं आपसे मिलती हूँ कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।